देखिए जनाब, बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान से ये जहाज चल रहा है। ये अली हसन साहब है हमारे साथ, और इन्होंने मास्क वास्क के बावजूद पहचान लिया। बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश अली भाई। वैसे मैं आपको यहाँ एक्चुअली मैक्सिमम लोग यहाँ पे 99% लोग आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, आपका जो रमज़ान ट्रांसमिशन, जी जी, लोग शौक से देखते हैं, मतलब इफ्तारी में, सहरी में, मतलब आपका रमज़ान में यहाँ स्कर्दू में जो है ना ARY डिजिटल चल रहा है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने रमज़ान का एक तराना भी स्कर्दू में शूट किया से 2-3 साल पहले, तो और मैंने यहाँ के लोगों का बहुत सुना है, बड़े ज़बरदस्त मेहमान नवाज लोग हैं। जाएंगे, देखेंगे सिटी में, लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। ये काफ़ी 3 दिन का हमारा यहाँ कैम्प, आप लोगों को बता दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये प्लेन से उतरने के बाद तकरीबन 5-7 मिनट की बस की ड्राइव, और अब हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, स्कर्दू एयरपोर्ट। और यहाँ बाकायदा अभी टेम्परेचर भी चेक किया गया है सारी चीज़ों को कोरोना के अतबार से महफूज बनाने के लिए। नहीं जी, आपको दिखाते हैं, तिब्बत होटल है इस फैसिलिटी का नाम, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू, आप ज़रा देखें क्या बात है, वाह। अभी हमने खाना खाने का प्लान कहाँ बनाया है ये आपको दिखाते हैं, आ जाए। जब हम आए थे तब यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 28 डिग्री था, बड़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन बस सिर्फ 2 घंटे बाद ही, अभी तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और हल्का हल्का ठंडक का एहसास है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है बल्कि। ये आगे जाकर बिल्कुल लेक के पास खाने का अरेंजमेंट है यहाँ। क्या बात है जी, और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया चाय गिराने ही, लेकिन खैर। तो जनाब, यहाँ स्कर्दू में मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा बेहतरीन मकाम क्या हो सकता है चाय का एक कप पीने के लिए। यहाँ अकब में है स्कर्दू का बहुत मशहूर मारूफ शंग्रीला रिज़ॉर्ट, और हम इस वक्त शंग्रीला में ही स्कर्दू में ही मौजूद हैं। क्या बात है, पाकिस्तान के आप यानी जो कहते हैं ना आप वतन अदीस के बारे में हम, कि यहाँ पर हर मौसम है, और यानी इस वतन में हमें हर मौसम, हर जगह, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, नेचर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले ज़ाहिर है बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो गलत नहीं कहते। अब आप ये मकाम देख लीजिए, ये स्कर्दू का पुरफजा मकाम है, और यहाँ पर इस वक्त शाम की चाय हम नोश फरमा रहे हैं। हमने यहीं पर, हाँ दे दो यार चीनी, बल्कि दे दो, थैंक यू। तो मैं बल्कि ये सोच रहा था कि मैंने चीनी डाली नहीं है, तो मैं कब क्यों ला रहा हूँ मैं, तो अब चीनी आ गई है, थोड़ी सी चीनी डाल लेना खैर है, ख़ास तौर पर जब आप ज़रा वेकेशंस मूड में हो तब तो चलता है, ठीक है। हम यहाँ पे आए थे तकरीबन आज से 3 साल पहले, और हमने यहीं पे जो है वो शान रमज़ान का अपना तराना भी रिकॉर्ड किया था, तो बस सोचा था आप लोगों से। और यहाँ के लोगों की क्या बात है जी, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आने वाले यहाँ के लोग हैं। तो ये सारे मनाज़िर देख के
ये सब कुछ जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और आप ये इवन इस्लामाबाद से इस्कर्दू की जो फ़्लाइट है वो बड़ी ज़बरदस्त एक फ़्लाइट है, पहाड़ों के दरमियान से आप होते हुए आते हैं, तो दिल में जहन में बार 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 सुबहान अल्लाह निकलता है, और मतलब ये इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता बार बार सुबहान अल्लाह के बगैर। तो मेरा जी चाह कि ज़रा यहाँ बैठ के हम्द का मैं एक या दो शेर मैं पढ़ लूँ और आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँ, क्योंकि ये इतने ज़बरदस्त नज़ारे हैं कि बहुत बहुत लुत्फ़ आ रहा था ये सब देख के। आप सभी दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं पढ़ लेता हूँ और हम हम्द का एक शेर पढ़ लेते हैं। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाँ जी, तो ये शंग्रीला से जो यानी जो मेन स्पॉट है इस्कर्दू का शंग्रीला रिज़ॉर्ट, उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद एक जगह पे आके गाड़ी रुकती है, और उसके बाद कोई 10 से 12 मिनट की वॉक है, जिसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त सा मकाम आता है, अपर कचूरा लेक इसको कहते हैं। है जी, बोटिंग बोटिंग के लिए बोले भाई, वो कह रहे हैं बोटिंग के लिए, हम यहाँ खुद ही बोटिंग जा रहे हैं, हम पहन रहे हैं बोटिंग के लिए आए भाई, ज़रूर आए अपर कचूरा लेक, और इमरान के पास आए भाई, इमरान से पैसे लेता हूँ अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट के, तो ज़रूर आए। आदिल भाई ने भी पहन लिए लाइव बोट, ये लाइव बोट कह रहा हूँ मैं, लाइव जैकेट तैयार बोट पे पहनने के लिए, तो अब ज़रा हम बोट का सफ़र करते हैं। चलो, कचोरा लेक पे, और ये यहाँ की मशहूर ट्राउट फिश है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ये ट्राउट फिश जो है वो ज़रूर खाते हैं, और अभी हम भी टेस्ट करेंगे यहाँ गाजी होटल की ट्राउट फिश। काम करते हैं आप, बड़े भाई भी हैं, यहाँ के लोग बड़े जबरदस्त हैं, बड़े मिलनसार हैं, बहुत शानदार लोग हैं, खुश रहे आप लोग। हाँ जी, ये एक और मकाम है, ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे, यानी कि अगर आपको आपके साथ पेरेंट्स वगैरह हैं या किसी वजह से आप लंबा सफ़र करना नहीं चाह रहे और आप करीब की कोई इंटरटेनमेंट या अच्छी जगह देखना चाह रहे हैं, तो एक लेक है बड़ी ज़बरदस्त, इसका नाम भूल गया मैं, अभी मैंने याद किया था अलग, वो दिखाते हैं आपको अभी, और इधर आप बैकग्राउंड देखिए आप, दिखाते हैं आपको। हाँ, बड़े अच्छे बड़े मिलनसार से लोग यहाँ पे, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाएँ लोग बड़े ज़बरदस्त
लेकिन जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं आने से पहले जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनको मैंने बताया कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि शेख रशीद साहब का कितना तजुर्बा और वो दुनिया घूम चुके हैं, पाकिस्तान घूम चुके हैं। शेख रशीद साहब के अल्फाज थे कि गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा मेहमान नवाज लोग जो है ना मैंने नहीं देखे पूरी दुनिया में, और आई टेंड टू एग्री विद। क्या बात, ये भी अगर दिखा सकें, क्या जबरदस्ती है, हरियाली इस तरफ शानदार।